ट्राइबल चीफ रोमन रेंज अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन, जो कि दो साल में अपने सामने आने वाले हर अपोनेंट को डिस्ट्रॉय करते हुए आए हैं, बट अब एक ऐसा टाइम आ चुका है जब रोमन रेंज को लेके अपोनेंट की कमी साफ देखी जा सकती है। बट अभी भी ऐसे कुछ सुपरस्टार बचे हैं जिनके खिलाफ रोमन रेंज के मैच बड़े साबित हो सकते हैं, उन्हीं सुपरस्टार के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। रोमन रेंज अपने टाइटल रन में ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना, एज, डैनियल ब्राइन, केविन ओवंस जैसे बड़े बड़े नामों को हरा चुके हैं। वहीं रेसलमेनिया 38 में डबल चैंपियन बनने के बाद रोमन रेंज अभी तक किसी के साथ प्रॉपर फ्यूड में नहीं दिखाई दिए हैं। वहीं बात करें हेल इन अ सेल की, तो उसके बाद WWE रोमन रेंज के अपोनेंट को उतार सकती है, जो कि मनी इन द बैंक या समर स्लैम के लिए हो सकता है। अब मैं जिन 5 सुपरस्टार के बारे में बात करने वाला हूं, हो सकता है कि इन्हीं में से किसी के साथ रोमन रेंज की आने वाले टाइम में फ्यूड दिखाई दे। नंबर 5, सैमीजेन। सैमीजेन WWE में एक ऐसे सुपरस्टार हैं जो कि वाकई अपने कैरेक्टर को जीते हैं, मतलब कि उनका रिंग में परफॉर्मेंस, माइक स्किल्स गजब की हैं। उनके मैचेस शानदार होते हैं, देखने में मजा आता है, फन होता है, एंटरटेनमेंट होता है, सब कुछ से भरा होता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि सैमीजेन ब्लड लाइन के काफी करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं रेसलमेनिया बैकलैश से पहले की, तो रोमन रेंज को ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ भड़काने वाले सैमीजेन ही थे, और ऐसा करके वो ब्लड लाइन यानी कि रोमन रेंज के आसपास आने की कोशिश कर ही रहे हैं। अब सैमीजेन का WWE में जो कैरेक्टर रहा है ना, वो ऐसा है कि उन पर कोई भी भरोसा नहीं कर सकता है, और जिसने उन पर भरोसा करा है आगे चल के उसको धोखा ही मिला है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि सैमीजेन ब्लड लाइन के साथ कुछ बड़ा कर दें, जिसके बाद रोमन रेंज उनको आड़े हाथों लें और उनके साथ एक शॉर्ट टाइम फ्यूड में दिखाई दे सकते हैं। नंबर 4, मैट रिडल। मैट रिडल करेंट में आरके ब्रो नाम की टीम में दिखाई दे रहे हैं, वो भी रैंडी ऑर्टन वाइपर के साथ, और ये रॉ टैग टीम चैंपियंस हैं। अब रिडल रॉ के, या मैं कहूँ WWE के पूरे ब्रांड के एक अच्छे बेबी फेस सुपरस्टार हैं, और रोमन रेंज वहीं हील सुपरस्टार हैं। अब जब से रोमन रेंज डबल चैंपियन बने हैं, तब से बहुत संभावना है कि रोमन रेंज रॉ में भी अपने टाइटल डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे, या रॉ के भी अपोनेंट्स के साथ अपने टाइटल को डिफेंड करते हुए या मैच लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ रेसलमेनिया बैकलैश से पहले की, तो रोमन रेंज जब 6 मैन टैग टीम के लिए फ्यूड में दिखाई दे रहे थे, उस दौरान रिडल ने रोमन रेंज को टच भी नहीं करा था। लेकिन हाँ, रेसलमेनिया बैकलैश के बाद, या मैं कहूं हाल ही के स्मैकडाउन के एपिसोड में, रिडल ने रोमन रेंज को जो फ्लैश नहीं मारी, उसके बाद ही कहीं हद तक संभावना है कि रिडल और रोमन रेंज के बीच आने वाले टाइम में WWE फ्यूड दिखा सकती है, क्योंकि WWE में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। और फ्लैश नहीं खाने के बाद रोमन रेंज रिडल को देख के जैसे हंस रहे थे ना, उससे साफ लग रहा है कि रोमन रेंज अब शायद हो सकता है रिडल को अपने टारगेट पर ले लें। नंबर 3, ड्रू मैकइंटायर। ड्रू मैकइंटायर WWE का बहुत बड़ा नाम बने हुए हैं, और आप लोग ये देख ही रहे होंगे कि ड्रू मैकइंटायर वर्सेस रोमन रेंज के मैच को कहीं ना कहीं WWE फ्यूचर के लिए सेव करती चली आ रही है, लेकिन अब बहुत डिले होता चला जा रहा है। फैंस चाहते हैं कि इन दोनों सुपरस्टार के बीच फ्यूड देखने को मिले। अब इन दोनों सुपरस्टार के बीच फ्यूड कुछ नई नहीं होगी, क्योंकि हम पहले भी WWE में रोमन रेंज और ड्रू मैकइंटायर की फ्यूड देख चुके हैं, लेकिन उस टाइम ड्रू मैकइंटायर एक हील कैरेक्टर हुआ करते थे और रोमन रेंज बेबी फेस कैरेक्टर हुआ करते थे। वहीं ड्रू मैकइंटायर को एज अ हील शेन मैकमैन का भी सपोर्ट मिला हुआ था, तो इनके बीच उस टाइम हमें अच्छी फ्यूड दिखाई दी थी। वहीं अगर मैं बात करूं साल 2020 की, तो रोमन रेंज उस टाइम यूनिवर्सल चैंपियन थे और ड्रू मैकइंटायर WWE चैंपियन थे, और सर्वाइवर सीरीज में ये चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच में क्लैश होते हुए दिखाई दिए थे। उसके बाद से अब तक WWE इन्हें सिंगल फ्यूड में नहीं ला सकी है। हां, रेसलमेनिया बैकलैश में इन दोनों के बीच 6 मैन टैग टीम मैच दिखा था, लेकिन वो मैं कह नहीं सकता कि सिंगल मैच है। अब देखना यह होगा कि WWE इन दोनों को कब आमने सामने लाती है। वैसे मैं पहले भी बता चुका हूं और फिर बता दूं कि इस साल का समर स्लैम ग्लोबल होने वाला है, मतलब कि UK में होने वाला है, जो कि ड्रू मैकइंटायर की होम कंट्री है। तो हो सकता है कि आने वाले समर स्लैम पेपरव्यू में रोमन रेंज वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के बीच हमें मैच देखने को मिल जाए। नंबर 2, द वाइपर रैंडी ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन इस टाइम करंट में रॉ टैग टीम चैंपियन है, वो भी रिडल के साथ।
जिनका मैंने अभी जिक्र करा था। अब रैंडी ऑर्टन WWE में एक बहुत बड़ा नाम है और कहीं ना कहीं अगर WWE रोमन रेंस को रैंडी ऑर्टन के खिलाफ उतारती है तो वाकई फैंस के लिए ड्रीम मैच साबित होगा। दोनों ही जबरदस्त सुपरस्टार हैं, दोनों की जबरदस्त पर्सनैलिटी है और इस मैच के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ गए जब रोमन रेंस ने WWE चैंपियनशिप भी जीत लिया है। तो कहीं ना कहीं WWE रोमन रेंस और रैंडी ऑर्टन को भी आमने सामने ला सकती है और इस तरह के रूमर्स सिक्स मैन टैग टीम मैच के बाद काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सिक्स मैन टैग टीम मैच का जब बिल्डअप दिखाई दे रहा था तब रैंडी ऑर्टन और रोमन रेंस भी क्लैश होते हुए दिखाई दिए थे और रेसलमेनिया बैकलैश में रैंडी ऑर्टन और रोमन रेंस रिंग के बाहर भी एक दूसरे पर अच्छा खासा अटैक करते हुए दिखाई दिए थे। तो कहीं ना कहीं इस मैच की संभावनाएं WWE ने पैदा कर दी हैं। हां, देखना यह होगा कि अब इन दोनों के बीच मैच कब दिखाई देता है। नंबर वन, कॉडी रूड्स। कॉडी रूड्स AEWE जो कि WWE की कॉम्पिटिटर कंपनी है उसको छोड़कर के WrestleMania 38 में WWE में शामिल हुए। WrestleMania 38 के बाद हुए रॉ के एपिसोड में कॉडी रूड्स ने क्लियरली ये बोल दिया था कि उनका टारगेट WWE चैंपियन बनना है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक तरह से रोमन रेंस को धमकी दे डाली क्योंकि रोमन रेंस उस टाइम WWE चैंपियन बन चुके थे। वहीं अगर मैं बात करूं कॉडी रूड्स की तो कॉडी रूड्स AEWE के टॉप लेवल के सुपरस्टार बन चुके थे। वहीं बात करें वो AEWE में एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट भी थे। तो कहीं ना कहीं उनका दावा यह है कि मैं नहीं चाहता कि फैंस मुझे इसलिए याद रखें कि मैंने AEWE कंपनी को खड़ा करा WWE के अगेंस्ट। उनका क्लियरली टारगेट यह है कि वो अब WWE चैंपियन बनना चाहते हैं। अब कॉडी रूड्स ने हाल ही में एक इंटरव्यू में WWE चैंपियन बनने के बारे में फिर से बात करी और उन्होंने जो बोला वो कहीं ना कहीं रोमन रेंस को ही टारगेट करता है क्योंकि रोमन रेंस इस टाइम WWE चैंपियन है। कॉडी रूड्स ने कहा, मुझे इस बात पर गर्व है लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी रेसलिंग विरासत को लोग केवल इसलिए याद रखें कि मैंने एक दूसरी बड़ी रेसलिंग कंपनी बनाने में हेल्प करी थी। मैं WWE चैंपियनशिप जीतने के अपने सपने को पूरा करके रहूंगा और कोई मुझे ऐसा करने से नहीं रोक सकता। मैं इसे अपने पूरे परिवार, माँ, मेरी वाइफ, मेरी बेटी, मेरी बहन के लिए जीतना चाहता हूं। मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप को मेरे फादर के सामने तो नहीं जीत पाया लेकिन मां के सामने मैं जरूर जीतना चाहता हूं। अब कहीं ना कहीं कॉडी रूड्स क्लियरली WWE चैंपियन बनने के दावे कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है WWE चैंपियनशिप रोमन रेंस के पास है तो हो सकता है कि WWE आने वाले टाइम में कॉडी रूड्स वर्सेस रोमन रेंस के बीच अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप या पर्टिकुलर WWE चैंपियनशिप टाइटल को लेकर मैच दिखा सकती है, फ्यूड दिखा सकती है। और वैसे भी WWE कॉडी रूड्स की वापसी के बाद से उन्हें एक अलग लेवल का सुपरस्टार बिल्ड करने में लगी हुई है। आप खुद सोचिए, मेन पोस्टर में वो दिखाई दे रहे हैं मिड में। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ पांच ऐसे सुपरस्टार जिनके साथ रोमन रेंस आने वाले टाइम में फ्यूड में दिखाई दे सकते हैं। अब इन पांच सुपरस्टार में से ऐसा कौन सा सुपरस्टार आपको नजर आ रहा है जो रोमन रेंस को टाइटल मैच में हरा सकता है या उनसे टाइटल छीन सकता है, खास करके WWE चैंपियनशिप? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।